मोगली, मैंने तुझे पहले ही कहा था कि आज मुझे पत्ते मत खिला, क्या समझे? नहीं समझे? अरे समझने वाली बात भी नहीं है। अरे राजा अकड़ता क्यों है, ये तो लक्ष्मी है, आज इधर तो कल उधर। देख बच्चे संभल के पत्ते मारना, पत्तेबाजी नहीं करना। हाँ देख है राजा, तू मेरे को कबूतरबाज, अंडेबाज, बटरबाज, जो भी बाज कहना चाहे कह ले, लेकिन पत्तेबाज मत कहना, पत्तेबाजी करना मैं हराम समझता हूँ। अरे छोड़ यार ये हराम और हलाल की बात है, और जल्दी से पत्ते बांध, क्यों बोर कर रहा है सबको यार? अबे क्यों अपनी मौत को ललकार रहा है? आज मेरे राजा की किस्मत गंजे आदमी की चिकनी खोपड़ी की तरह चमक रही है, इसलिए तो मैं जरा देर लगा के टफन लगा रहा था। अरे आज राजा का राजा बच्चे, डोर पर ब्लाइंड। जा कलकत्ता वाली, क्या बात है, वाह वाह वाह, क्या तू भी? अरे सब गए, वाह क्या, सबका जनाजा निकाला। अबे ज्यादा बड़बड़ मत कर, दिल्ली अभी बहुत दूर है, बात पत्ते ना भाई, अपना वक्त हो गया, शंकर को पता लग गया तो जान से मार देगा, बस वो आता ही होगा। शंकर तेरे लिए भगवान होगा, हमारे लिए तो कंकर है, हम तुझे मार जीत के घर नहीं जाने देंगे। अरे तो भाग कौन रहा है बच्चे, मैं कल फिर आ जाऊंगा। अरे कल किसने देखा, आज नकद और कल उधार, क्या समझे? चल बैठ जाए। अरे चमड़ गंजू हाथापाई मत कर, वरना हाथ तोड़ के हलवाई की कढ़ाई का चमचा बना दूंगा। हट। देख राजा कान खोल कर सुन ले, हमारा माल जीत कर आज तक कोई घर वापस जिंदा नहीं गया। जिंदा ये बात है तो मैं भागता हूँ, रुपए फेंको। क्या काली कलकत्ता वाली, तेरा वचन ना जाए खाली, सीधे हो जाए ससुर। चुगली आज जाने, काट। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः। जुआ नहीं खेलूंगा, वो बोले नहीं खेलना पड़ेगा, बस ताश के बजाय झगड़े का खेल शुरू। सच बोला ना? अरे शंकर भैया मैं तेरे साथ कभी झूठ बोल सकता हूँ?
अरे ये मेरे जूते में नोट कहां से आ गए? झूठ! तूने मुझसे झूठ बोला। मैं तुझे अपना भाई समझता हूं, इसलिए तुझे जुआ खेलने से रोकता हूं। तू नहीं जानता राजा, इस जुए ने मेरे घर को तबाह कर दिया। मेरे बड़े भाई को जुआ खेलने का बहुत शौक था और मेरे माँ बाप के मना करने पे वो घर छोड़कर चला गया। उसके जुदाई के गम ने मेरे माँ बाप दोनों की जान ले ली और मुझे घर छोड़कर टैक्सी ड्राइवर का काम करना पड़ा राजा। राजा, राजा मुझे माफ कर दे। चूहे का नाम सुनते ही ना जाने मुझे क्या हो जाता है। रो मत यार, मेरी वजह से बहुत दुख हुआ ना तुझे, मुझे माफ कर दे, प्लीज माफ कर दे। राजा, राजा काबे चुगली, एक दिन तू मेरे हाथ से बेमौत मारा जाएगा। जब भी मैं जुआ ना खेलने की कसम खाता हूं, तू हमेशा ये पत्ते दिखाकर मेरी कसम तोड़वा देता है। लेकिन बच्चे, आज ये कसम नहीं टूटेगी। अबे इसमें कसम तोड़ने की बात ही कहा है, कोई जरूरी थोड़ी कि पत्ते पैसे के साथ ही खेले जाते हैं, ऐसे यूं ही दिल बहलाने के लिए भी खेलते हैं। फिर बना रहा तू मुझे? देख राजा, बहलाने की कोई बात नहीं, मेरे बहुत पुराने दोस्त आए हैं, अभी उनका भी तो दिल नाराज नहीं कर सकते है ना। वही दोस्त जिन्होंने पैसा हारने के बाद मेरी हड्डी पसली कर दी थी, मैं नहीं आता। ए, राजा तू चल के तो देख, ये तो बहुत ही उम्दा लोग है। क्यों, क्या हंसी पर भी कोई टैक्स लग गया है? अरे लानत है तुम लोगों पर, इतने सारे आदमी मिलकर एक निहत्ते का मुकाबला करते हो। क्या अपनी माँ की दूध की जगह पानी पिया था तुम लोगों ने? बड़ा बहादुर, क्या नाम है तेरा? मेरे नाम की माला जपेगी क्या? जा अपना काम कर। अरे काम तो रोज करती हूँ, लेकिन आजकल के जमाने में एक बहादुर नौजवान को देखकर तबीयत मगन हो गई। तबीयत मगन हो गई तो नाचना शुरू कर दे। एक बार बाजा बजा के सुना दे, बड़ा सुरीला बजाता है रे। देख, मैं बाजा किसी को सुनाने के लिए नहीं बजाता, बल्कि अपना दिल खुश करता हूँ।
बड़ा खुदगर्ज है तू। तेरे दिल के साथ साथ किसी और का दिल भी खुश हो जाए तो तेरा कुछ घिस जाएगा क्या? चल सुना देना एक बार। चल एक बार बाजा सुना देना। चल एक बार बाजा बजा के सुना देना। ज्यादा बड़बड़ मत कर, एक दफा कह दिया ना, नहीं सुनाऊंगा, नहीं सुनाऊंगा, नहीं सुनाऊंगा। देख मैं बड़े प्यार से बोल रही हूँ, वरना अगर जिद पर आ गई ना तो तू तो क्या तेरे अच्छे अच्छे भी सुनाएंगे। अरे तू तो ऐसे हुक्म चला रही है जैसे मैं तेरे बाप का नौकर हूँ। तू मेरी नौकरी के लायक नहीं, मेरे बाप की नौकरी क्या करेगा? ए देख तू मुंह संभाल के बात कर, तेरी ये लप लप करती हुई जबान है ना उसको काट के तेरे सर पे रख दूंगा। चल जा, चार डरपोक आदमियों को क्या मार के भगा दिया अपने आप को, बड़ा 30 मार का समझने लगा है। अच्छा 30 मार खाता है, एक बार बाजा सुना दो ना। मैं इतना बेवकूफ नहीं जो भैंस के आगे बीन बजाऊं। नहीं बजाऊंगी, कोई तेरे बाप की नौकर हो? अरे मेरे बाप की तो नहीं, लेकिन मेरी नौकरी तू एक दिन जरूर करे। अच्छा एक बात पूछो। पूछ पूछ। आज मुंह धोया था? अरे शेरों ने भी कभी मुंह धोया है? बजाती है या नहीं? नहीं बजाऊंगी, मेरा बाजा सुनने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। गुलाबी नैन शराबी चाल नशीली उम्र शबाबी कहे मगर दिलवा हो तेरे नखरे में गरम मसाला, हो तेरे नखरे में गरम मसाला। जा जा कमला बिमला कुसुम कमेली तुम जैसी कितनी अलबेली मेरे बर्तन साफ करे। अरे जा अरे गरे हत्थू भरे तुम जैसे कितने ही परे मेरे जूते साफ करे। अच्छा अरे वाह सुन ओ जूतों की सौदागर आज जवरना पड़ेगी सर पर। देखा तुझको बाला डंग मटियाला अंग पटियाला हो तेरे नखरे में गरम मसाला, हो तेरे नखरे में गरम मसाला। छोड़ दिया है चाचा तुझको माफ किया है बोल जरा अब प्यार से तू। अरे छोड़ो ऐसी शेखी जाओ और कहीं ये दिल बजाओ, बनता है रखवाला अरे मतवाला बड़ा दिल वाला और तेरे नखर
शराबी चाल नशीली उम्र शबाबी कहे मगर दिलवाला तेरे नखरे में गरम मसाला तेरे नखरे में गरम मसाला तेरे में गरम मसाला तेरे नखरे में गरम मसाला। बस यार मेरा हाथ मत मारना, पैसे खत्म हो गए। अबे खत्म हो गए तो चुगली से उधार ले ले, ये तो तेरा लंगोटिया यार है। वैसे राजा अगर कहे तो चुगली की जान हाजिर है, लेकिन अपने उस्ताद ने सिखाया कि जुए में किसी को उधार मत देना। वैसे राजा चाहे तो आधी रात को मेरे घर आ सकता है, उसी का घर है, उसके लिए जो कुछ भी कहे करूंगा। बुरा मत मानना राजा। नहीं नहीं बच्चे, आज तेरा जमाना। कोई बात नहीं पिताजी, कोई बात नहीं, मेरा वक्त गया। माफ करना, मेरा ध्यान कहीं और था। ध्यान जहाँ था वहीं रहने दे, मुझे तो सिर्फ 5 रुपए चाहिए। 5 रुपए? हाँ 5 रुपए। किस बात के? इन खिलौनों की कीमत। अरे तो कीमत उससे लेना जो इनके ऊपर स्त्री करके चला गया। मेरे से काय को? मगर टक्कर मार के तो तू गया। तूने भी तो टक्कर मार के मेरे दिल के टुकड़े कर दिए। मैंने कोई डॉक्टर की फीस मांगी तेरे से? नहीं ना। बातें मत बना, 10 रुपए निकाल। रुपए हो तब ना। देख इधर तो बिल्कुल मैदान साफ है। दे दे मैं कुछ नहीं आती है, मुझे रुपए चाहिए। ए भाई, ए भाई रो नहीं। अरे रे 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 रोमस रोमस, देख मैं किसी लड़की के आंसू नहीं देख सकता, और वैसे मैं हूं बहुत बहादुर। मुझे रुपए नहीं मिला तो बाबू मार डालेगा। तेरा मतलब तेरा राम नाम सत्य हो जाएगा? अरे नहीं नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा भगवान। सुन, मैं इतना बड़ा पाप अपने सर पर नहीं ले सकता। तू यहीं बैठ, मैं जाके रुपए लेके आता हूँ। नहीं 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 नहीं, तू भाग जाएगा, तू भाग जाएगा। अच्छा, अच्छा सुन, देख मैं तुझे अपनी पतलून तो नहीं दे सकता, लेकिन तू मेरी गंजी गिरवी रख ले। अगर मैं रुपए ले आया तो ठीक है, वरना वरना तू इसे 10 रुपए में बेच देना। नहीं मुझे गंजी नहीं, मुझे रुपए चाहिए। अरे रख ले रख ले, नहीं आएगा तो मैं खरीद लूंगा। अरे चुप बे चपड़ गंजू, आज तक राजा की गंजी कोई नहीं खरीद सका। बाकी तू भी कोशिश कर लेना, तू यहीं बैठ, मैं भी आता। अरे चुगले मियां, अबे चुप बे, नया फैशन है। क्या बात है भाई? क्या बात है चुगली मियाँ, बड़े चिकने लग रहे हो। ज्यादा मत क्यों, चिकनापन निकल जाएगा। बात क्या है, मस्कर क्यों कर, क्या काम है? बोल। कुछ नहीं चुगली मियाँ, 10 रुपए उधार दे दो। माफ कर राजा भाई, हमने धंधा बंद कर दिया है। मगर यार तूने तो कहा था कि अगर जुए के अलावा मुझे रुपयों की जरूरत हो तो मैं आधी रात को भी आके ले सकता हूँ तेरे से। वो तो मैं अभी भी कहता हूँ, आधी रात को आके ले जाओ। हाँ तो देना। अभी तो दीने यार। माफ करना, मैं समझता था चुन्नी चचाई सबसे ज्यादा कमीने, मगर तुम तो उनके भी बाप हो। अगर मैं इतनी खुशामद चुन्नी चचा की करता ना, तो मुझे नंगा देख के वो अपनी कमीज उतार के मुझे दे देते। अबे तू क्या जानता है, चुन्नी चाचा को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। रुपए पैसे की बात तो छोड़, वो किसी को गाली भी नहीं दे सकता है। हाँ वो तो लेना जानता है, देना थोड़ी जानता है। देख मैं उसका एक किस्सा सुनाता हूँ। पिछले साल वो इत्तेफाक से एक सूखे कुएं में गिर पड़ा। तो एक आदमी ने अपना हाथ दिया और चुन्नी चाचा को बोला कि भाई अपना हाथ दो। तो चुनी चाचा अपनी जगह से हिला भी नहीं। क्यों भाई, देने की बात जो थी ना। तो फिर वो आदमी ने सोच के कुछ दूसरा बोला भाई। वो बोला कि भाई मेरा हाथ लो। तो चुनी चाचा ने खट से पकड़ लिया और उसको खींच के बाहर निकाला। ये आदमी ये बात है तो हो गई शर्ट। अगर मैं चुनी चाचा की कमीज उतरवा लूं तो? अबे उतरवा लूं क्या, उतरवा ले तो मैं तेरे को 20 रुपया देता हूँ। बोल हो गई। अगर नहीं उतरवाई तो? 40 दूंगा। दूंगा क्या, मैं लूंगा। अरे दूंगा 40। चुगले राम राम चाचा, क्या हाल है? क्या बात है चाचा, आजकल तुम हमसे बोलते बोलते नहीं। हाँ क्या बोलूं भतीजे, मैं तो जानता हूँ तू चाचा का हाल नहीं पूछने आया है, बल्कि चाचा के माल का हाल पूछने आया है। अरे चचा, दुनिया में ये लेन देन तो चलता ही रहता है। आज तुम हमारे काम आए,
कल हम तुम्हारे काम आएंगे। चाचा एक 10 रुपए तो उधार देना। मैं 10 रुपये नाले में फेंक सकता हूँ, पर तुझे जुआ खेलने में 10 रुपया नहीं दे सकता। अरे जुए में जीत भी तो मेरी होती है चाचा, राजा कभी नहीं हारता। हाँ लोग तो जुए में औरतें तक हार जाते हैं, तू किस खेत की मूली है? अरे खेत से तुम्हें क्या मतलब चाचा। हाँ चाचा लेकिन तुम मेरी भविष्यवाणी नहीं झुटला सकते। ये बात है तो फिर कभी तेरा भविष्यवाणी का चमत्कार देख लूंगा। अरे चमत्कार तो मैं आज ही दिखाऊंगा चाचा, लाओ हाथ। चाचा तुम्हारे खानदान में तो कोई दाग नहीं, लेकिन तुम्हारी पीठ पर जरूर 1 रुपए जितना बड़ा काला निशान है। तू तो ऐसी बात कर रहा है जैसे मैं तेरे सामने पैदा हुआ हूँ। अगर दाग नहीं हुआ तो मैं 10 रुपए तुम्हें दूंगा, अगर हुआ तो मैं 10 रुपए लूंगा। बोलो मंजूर? बिल्कुल। तो फिर दिखा दाग कहाँ? हाँ चाचा दाग वाग तो नहीं है। तो फिर लाओ 10 रुपये। अरे चुगली निकाल 20 रुपए। अरे क्यों पसीने छूट रहे हैं, 20 रुपए का अफसोस है क्या? 20 का अफसोस नहीं है, मुझे अफसोस है मैं तेरी 420 में आ गया। आंदा कभी मेरे साथ शब्द नहीं लगाना बच्चे। जल्दी निकाल, जल्दी निकाल। हाँ दिखा बेटा, इतना जल्दी क्या ना? ए, दे, ए। चाचा ये तुम्हारे 10 रुपए और ये मेरे 10 रुपए। देखा मेरा चमत्कार? हाँ भतीजे देखा तेरा चमत्कार। राम राम। राम राम। मैं कहता हूँ नहीं आएगा, उसका इंतजार मत कर। अबे चुप बे बेवड़े, क्या बक बक करता है? जो मजा इंतजार में है वो प्यार में नहीं। ला बीड़ी पिला, ले अपने खिलौनों के पैसे, ला मेरी गंजी ला। अरे तो 10 रुपए है, रुपए से छुट्टा नहीं है। अरे रख ले रख ले, फिर कभी वसूल कर लूंगा जाने। ना बाबा ना, मेरे खिलौने के तो सिर्फ 5 रुपए हैं। अरे 5 हो या 50, हमने 10 रुपए कीमत लगाई और तेरे हाथ में थमाई, क्या समझी? नहीं समझी? अरे ये बात समझने वाली भी नहीं। सुन चाय पीगी? नमक 2 कप चाय लाना। पेशेंट। अरे चाची कैसी हो? नमस्ते जी, कैसी हैं? कौन है तुम? मुझे नहीं जानती? अरे कल ही तो मेरे साथ गाना गाया था। अरे गाना और मैंने? रानी लगता है इसका दिमाग मेरा नहीं तेरा खराब है, जो मुझे नहीं पहचानती। अरे बाबा क्यों जबरदस्ती गले पड़ता है, कह दिया ना मैं तुझे नहीं पहचानती। मैं नहीं जानता था कि तू इतने जल्दी आंखें फेर लेगी। ले मैंने तेरी तरफ देखा है कब था जो आंखें फेरने का सवाल उठे। मेरा ख्याल है तुझसे कोई गलती हो गई है, हो सकता है इससे मिलती जुलती शक्ल की कोई और लड़की मिली हो। मुझसे कोई गलती नहीं हुई, तू कसम खा करके तू वो नहीं है। कसम भी कोई खाने की चीज है? कोई हलवा पूरी जलेबी की बात कर तो मैं खा भी लूं। तू इतनी चलाक है ये मुझे आज मालूम हुआ। ए मुंह संभाल के बात कर, जानना पहचान मैं तेरा मेहमान। तू चुप रह, मैं तुझसे नहीं इससे बात कर रहा हूँ। मुझसे क्या बात करेगा तू? तू जा, जाके पानी पी और अपना दिमाग ठंडा कर, फिर सोच तू मुझसे मिला था या किसी और से। ठीक है। लगता तो वैसे ही है। माफ करना, मैं तुम्हें कुछ और समझी थी। कुछ और ही समझ लो मेरी जान, तुमने कुछ समझा तो सही। क्या? बड़ी बोली। कितने पैसे लेगी? 4 आने का 1 खिलौना है। ओ, हम तो 4 रुपए देंगे और खिलौना भी नहीं लेंगे। लोगी? घर जाके अपनी माँ बहन को दे देना। अरे तू तो बुद्धू का बुद्धू ही रहेगा। कौन है तू? देख अकड़ मत, मैं तुझसे माफी मांगने आई हूँ। मेरे हाथ खाली नहीं है, कहीं और जाके मांग। बस एक रस्सी की तरह अभी अभी तो मुझसे बात करने के लिए मेरी खुशामद कर रहा था और अब बिखरे दूध की तरह फैल गया। देख तू अगर अपनी खैरियत चाहती है तो चले जाए यहाँ से। हाँ नहीं तो क्या करेगा तू? नहीं तो रास्ता चलते हुए आदमी के गले पड़ने के जुर्म में पुलिस के हवाले कर दूंगा। अरे जा जा, तू क्या पुलिस के हवाले करेगा, मैं किसी पुलिस के हवाले कराऊंगी। चल दार मीटर चला टैक्सी। चल मैं कहती हूँ चला टैक्सी। ए, चुपके से नीचे उतर जा, नहीं तो तुझे और तेरे खिलौने दोनों बाहर फेंक दूंगा। अरे जा जा,
तू क्या फेंकेगा। हाँ टैक्सी ना चलाने के जुर्म में मैं तुझे हवालात में जरूर फेंकूं। अच्छा भगवान मैं हारा तू जीती, माफ कर। अब ये बता तू यहाँ से जाने का क्या लेगी? बस एक दफा मेरी तरफ देख के मुस्कुरा दे, मैं चली जाऊंगी। ऐसे नहीं, जरा प्यार से। ऐसे भी नहीं। तो फिर कैसे? बिल्ले तू भी क्या याद करेगी? हाँ ये हुई ना बात। अब मैं तुझे बताती हूँ कि मैंने उस वक्त तुझे क्यों नहीं पहचाना। मैं नहीं चाहती थी कि रानी को तेरे बारे में कुछ भी मालूम हो जाए। क्यों? रानी अगर बाबा से कह देती तो फिर मैं तुझे कभी नहीं मिल सकती थी। लेकिन अब तो मिला करेगी ना? तू चाहेगा तो। अरे मैं तो जिंदगी भर तुझसे अलग होना नहीं चाहता। चल तुझे सैर करा दूं। अरे मगर मुझे ये जो खिलौने बेचने हैं। तो क्या हुआ, वो भी रास्ते में बेचते चलेंगे। छोड़ दे मेरा हाथ। बड़ी मुश्किल से हाथ आया, कैसे छोड़ू? नहीं छोड़ेगा। नहीं अबे भूतने का तुझे हजार बार कहा, लौंडियों का मत छेड़ा कर, तू नहीं बताएगा। बड़ा बहादुर है रे। हाँ रे, बहादुरी तो मेरे खानदान में खोट खोट के पिलाई जाती है। क्या समझी? नहीं समझी? अरे समझने वाली बात भी नहीं। अच्छा ये बता तू इस चक्रम के चक्कर में कैसे उलझ गई? हाँ अरे मैं तो तुझे ढूंढने आई थी और ये मुआ बीच में आंटप का। अरे परवाह नहीं कर, ये बता तू मुझे क्यों ढूंढने आई थी? ये पूछने के लिए कि तूने 5 रुपए के बदले 10 रुपए क्या समझ के दिए थे। और तूने क्या समझ के लिए थे? तूने दिए मैंने लिए। हाँ तो अब काय का दर्द हो रहा है? अरे बाबा कहते हैं आजकल के जमाने में बिना मतलब कोई किसी को कुछ नहीं देता। बाबा कहते तो ठीक है, जानी मतलब तो अपना भी है। तो ये ले अपने मतलब के 5 रुपए, मुझे नहीं चाहिए। हाँ अरे अरे अरे, अरे नाराज हो गई। तो ये ले आज के खिलौनों के 5 रुपए, ला टोकरी। ये ले। क्या समझी? नहीं समझी? अरे समझने वाली बात ही नहीं है। तू बड़ा पैसे वाला है क्या? अरे पैसा क्या चीज है, वो तो मेरे हाथ का मैल है, मैल। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम जान के तू क्या करेगी? अरे बता देगा तो तेरा क्या बिगड़ जाएगा? मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन जानी तू जरूर मेरे नाम के चक्कर में फंस जाएगी। तेरा नाम कोई मछली का जाल है क्या? अरे जाल में से तो मछली निकल भी सकती है, लेकिन मेरे नाम के पीछे लगी लड़की कभी नहीं निकल सकती। क्या समझी? नहीं समझी? अरे समझने वाली बात भी नहीं है। मन का मौजी हूँ सनम, मन का मौजी हूँ सनम, दिल भी है दरिया की तरह, नाम आशिक है मेरा, नाम आशिक है मेरा, शक्ल है रांझा की तरह। मैं भी हूँ चंपकली, मैं भी हूँ चंपकली, दिल भी है लैला की तरह, हीर सा रंग मेरा, हीर सा रंग मेरा, रूप है राधा की तरह। मैं भी हूँ चंपकली, मैं भी हूँ चंपकली, दिल भी है लैला की तरह। लड़कपन से ही रंगीन तबीयत मेरी, नाजो अंदाज पे लुट जाना है आदत मेरी, दिल हथेली पे कफन सर पे लिए फिरता हूँ, दिल हथेली पे कफन सर पे लिए फिरता हूँ, सारे आलम में है इस बात से।
से शोहरत मेरी। मैं भी दिलदार, क्या होती है मोहब्बत जानू, चाहने वालों के दिल की हर हसरत जानू। मैंने भी सोहनी के शीरी के सुने अफसाने, मैंने भी सोहनी के शीरी के सुने अफसाने। इसको कहते हैं मोहब्बत की इबादत जानू। मैं भी हूँ चंपा कली, मैं भी हूँ चंपा कली, दिल भी है लैला की तरह। चार लफ्जों में ही सिमटी है कहानी मेरी, हुस्न वालों पे है कुर्बान जवानी मेरी। मैं रहूं या न रहूं याद रहेगी बाकी, हाय मैं रहूं या न रहूं याद रहेगी बाकी। दिल में धड़कन की तरह बन के निशानी मेरी। मेरा अफसाना भी अब तुमसे जुदा क्या होगा, होगा पानी वहां बादल जहां बरसा होगा। हुस्न और इश्क रहे दूर ये मुमकिन ही नहीं, हुस्न और इश्क रहे दूर ये मुमकिन ही नहीं। आईने से भला सूरत का क्या पर्दा होगा। मैं भी हूँ चंपा कली, मैं भी हूँ चंपा कली, दिल भी है मौजी हूँ सनम, मन का मौजी हूँ सनम, दिल भी है दरिया की तरह। नाम आशिक है मेरा, नाम आशिक है मेरा, शक्ल है रांझा की तरह। मन का मौजी हूँ सनम, मन का मौजी हूँ सनम, दिल भी है दरिया की तरह। मुझे कितना प्यार करता है राजा, तुम उसे कितना प्यार करता है? जितना चकोर चंदा से, जितना चकोर चंदा से। तू झूठ बोलता है, तू झूठ बोलता है। अरे यकीन ना हो तो मेरे दिल की धड़कन से पूछ ले। यकीन ना हो तो मेरे दिल की धड़कन से पूछ ले। पूछो, जल्दी पूछो। धड़कन कहती है तुझसे ज्यादा मैं प्यार करती हूँ, धड़कन कहती है तुझसे ज्यादा मैं प्यार करती हूँ। झूठ, झूठ नहीं सच, झूठ झूठ नहीं सच। मैं दिन में भी तेरे सपने देखती हूँ, मैं तो दिन में भी तेरे सपने देखती हूँ। आज मैंने सपने में देखा। क्या क्या? मैंने आज एक सपना देखा। क्या? मैंने देखा कि तेरे गले में हीरो का हार है, मैंने देखा तेरे गले में हीरो का हार है, और तू चांदी के सिंहासन पर राजा बना बैठा है, और तू चांदी के सिंहासन पे राजा बना बैठा है। राजा? अरे कोई पीछे है। अरे कोई हमारे जैसे ही तो। चल देखे तो सही क्या कर रहे हैं, चल। ऐसे सपने मत देखा कर, आजकल राजा का जमाना नहीं है। अरे कौन कहता है राजा का जमाना। राजा? शंकर, रूपा। बाबा शेरू, शेरू बाबा, शेरू बाबा, मेरे बच्चे बाबा, बाबा कितना दुबला हो गया है तू बाबा। अरे रहा है बाबा, दुबला नहीं मैं तो दुगना हो गया बाबा।
जेल में तेरे बेटे का बहुत ध्यान रखते थे वो। अच्छा, खूब कसरत कराते थे मुझसे मिलकर। हाँ, देख देख कितना मजबूत हो गया मैं, है ना? अरे रहने दे, नजर ना लग जाए किसी की। नहीं बेटे। बाबा क्या? बाबा मेरी एक छोटी सी बहन थी ना। हाँ, नजर नहीं आ रही बाबा। ओ रानी। हाँ बाबा, रानी नजर नहीं आ रही बाबा। रानी, ओ रानी, अरे पहचान तो ये कौन है? अरे ये तेरा भाई शेरू। बाबा रानी इतनी बड़ी हो गई? अरे 15 साल से हर साल तेरी राखी उठा के रखती थी। अब तू आ गया है, तू ही संभाल अपनी बहन को, मैं तो बूढ़ा हो गया। शेरू, ओ शेरू, शेरू। अबे चुगली, क्या बे? शेरू मुबारक हो। मैं शेरू नहीं, उस्ताद बोल आज से उस्ताद। एक बार जल जाके आए तो शेरू से उस्ताद हो गए। कोई बात नहीं, होता है। एक बात बताओ उस्ताद, आज तुम्हारे आने से फिर से एक बार बस्ती में रौनक आ गई है। अपने यार दोस्त कैसे? अरे तुम्हारा स्वागत करने के लिए सब लोग बैठे हैं। अच्छा, तो चल फिर आओ। गुले? हाँ उस्ताद। हट। अंधा तो नहीं है, फिर टकरा क्यों मुझसे? ए, आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहा है? देख रहा हूँ इस बस्ती में इतनी खूबसूरत लड़की भी रहती है। अब तो मालूम हो गया ना, जाए यहाँ से। अरे मेरे सीने में छुरी भोंक कर जाती कहाँ है छप्पन छुरी? कौन है तू? हाथ छोड़ मेरा। अरे मेरा नाम नहीं जानती? कब से आई इस बस्ती में? जब से पैदा हुई हूँ। हाथ छोड़ मेरा। नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा? काट और काट, जितना भी काटेगी मेरी चमक छलो उतना ही मेरे दिल के करीब आती जाएगी। काट। नहीं छोड़ेगा मेरा हाथ? नहीं छोड़ेगा। तो मैं बाबा को बुलाऊंगी। अरे बाबा को क्या, पूरे खानदान को बुला लेना। बाबा, बाबा। रूपा, क्या बात है रूपा? बाबा, देखो ये गुंडा मुझे छेड़ रहा है। बाबा की। अरे ये तो मेरा बेटा शेरू है, और ये है रूपा, मेरे दोस्त लखू की बेटी। तेरे जेल जाने के कुछ ही दिनों बाद वो मर गया, तब से ये रानी के साथ ही रहती है। अरे जा, तू भी राखी ले आ, बांधे। अरे बाबा, मैं इससे राखी नहीं बनवाऊंगा। सारी लड़कियों से राखी बनवाऊंगा तो फिर शादी कैसे करूंगा? और फिर राखी को खेल होती क्या बाबा? बाबा, रानी की याद ही मुझे जेल से वापस ले आई, वरना कौन आता था जेल से बाहर? अबे चुगली, चल। आया उस्ताद, अपने को क्या, चलने को बोला चले, रुकने को बोला रुके। लाली नाली लाली नाला देरिया लाली नाला। राजा। अरे रानी तू, आ बैठ बैठ। राजा, आज मैं तुझे खुशखबरी सुनाने आई हूँ। अरे तू आ गई मेरे लिए, और इससे बढ़कर खुशखबरी क्या हो सकती है? ले चाय पी। तू नहीं पिएगा? अरे तेरे होंठों से लगकर मेरे पेट में जाएगी, तू पी ना, अपने हाथों से बनाया मैंने। बस बस बस, अब बता क्या खुशखबरी है तेरी, लॉटरी लग गई क्या? अरे लॉटरी नहीं रे, मेरा भैया 15 साल के बाद घर वापस आया है। अब तेरी मेरी बात पक्की। रानी, तू कल बाबा से जाके बात करेगा? अरे कल क्यों, आज, इसी वक्त, अभी। अरे
मेरा भैया आ रहा है। अरे ये तो शेरू है। अरे यही है मेरा भैया। मुझे छुपा, मुझे छुपा ना। ये गंदा तो आया। अरे मर गया मामा। अरे कहाँ जा रहे हैं? जल्दी छुपा ना मुझे। छुपा ना। नहीं नहीं नहीं। जल्दी करना। गुजा। ओ दुनिया के रखवाले। उस्ताद। सुन दर्द भरे मेरे नाले। नमस्कार। कमाए। क्या रे? कैसे? बस दुआ उस्ताद। बैठो बैठो। कमाना हुआ उस्ताद। अरे यार जेल से कौन आता था? साला बहुत आराम मिलता था वहाँ। हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। अब के मैं जेल गया ना तेरे को भी साथ ले जाऊंगा। हाँ नहीं 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 उस्ताद मैं कैसे जाऊंगा उस्ताद। वो सारे काले धंधे मैंने छोड़ दिए उस्ताद। बिल्कुल यार ये मानसगंज कहाँ से आ रही है? मानसगंज क्या बात करते उस्ताद। वो पानी नहीं आता ना। मैं 5-6 दिन से नहाया नहीं। नहीं तू साला झूठ बोलता है। मानस गल तो जरूर आए। नहीं क्या उसका जब से तुम गए तुम्हारे सिवा कोई आता है नहीं। कोई नहीं है। कमाल है यार। कोई नहीं। आज तो मैंने ज्यादा दारू भी नहीं पिया। नहीं उसका नहीं कोई। रानी तू निकल मार बाहर निकल। उस्ताद उस्ताद देखो इसे कुछ मत कहना। मैं इसे शादी करने वाला। उस्ताद देखो भैया। रानी पिताजी तू रानी से शादी करेगा? ये ले बीड़ी पी ले। चापाश। रानी से अरे अरे क्या हुआ? साला शादी करेगा। चल यहां से। शंकर। शंकर आपने राजा को मार के अच्छा नहीं किया। अब शंकर का सामना करना पड़ेगा आपको। अबे साले चुगले ये लद्दार भी साले अभी तक शेरू को मारने वाला कोई पैदा नहीं हुआ तो फिर ये शंकर क्या चीज है? शंकर बहुत एहसान है। तुझे भी जान की कसम शंकर। बाबा क्या हुआ रूपा? शेरू शंकर बहुत भी तरह मार रहे। चलो तो रोक लेना बाबा। चलो ना बाबा। शेरू बंद करके दवाई बाबा छोड़ दे। बिना बताए मुझ पर हाथ उठाया मैं तुझे दाने छोड़ूंगा। सही शर्म रही तुझे मेरी कसम। तुझे मेरी कसम। साले बाबा की कसम में तुझे बचा लिया वरना आज जिंदा नहीं छोड़ता। अबे जा जा रूपा की कसम में तेरी जान बच ले। कोई बात नहीं बेटा फिर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे मुच्छर। ये बात जो मुझको
सीने से लगा लूं तुझको मेरी हसरतों की दुनिया, मेरी हसरतों की दुनिया, तू मिले नहीं जो मुझको मेरी हसरतों की दुनिया, मेरी हसरतों की दुनिया।
खाली नहीं। क्यों? मुझे शेरू की नियत अच्छी नहीं मालूम होती। तेरे जाने के बाद उसने मुझे कमरे में बंद कर रखा था। मैं तो रानी की मदद से छूटकर आई हूँ। तूने बेकार मुझे कसम दी थी, नहीं तो मैंने आज उसकी हड्डी पसली तोड़ दी होती। शंकर, वो मौका ही ऐसा था। अब मैं चाहती हूँ तो बाबा से। हाँ मैं समझ गया, मैं कल तेरे बाबा के पास आता हूँ और अपन दोनों के रिश्ते को पक्का करता हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ, अगर शेरू को हम दोनों के मिलने के बारे में पता चल गया तो मुसीबत हो जाएगी। हर बार शेरू 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 शेरू। शंकर बस मेरी खातिर। हाँ साले, अगर तूने किसी को बताया। हाँ। अपने शंकर के बारे में पूछ रहा हूँ, कल रात से घर नहीं आया, पता नहीं कहाँ चला गया। रूपा, क्या शंकर को कहीं देखा है? शंकर को कल रात से ढूंढ रहा हूँ। उस्ताद, अरे मर गए उस्ताद, भगवान के लिए मुझे बचा लो। क्या है चुगले, क्यों दम निकला जा रहा? अरे तुमने तो मेरे पेट में ऐसा छुरा भोंका है, इसलिए तुम्हारा राज तुम्ही को बता रहा हूँ। शंकर को तुमने कैद कर रखा है, शंकर तुम्हारे कैद। हे भगवान, अब चल पड़ा है। क्या मैं पूछ सकती हूँ शंकर को क्यों कैद कर रखा है? शेरू जो चाहता है वो करता है। तो नहीं बताएगा तो मैं पुलिस में खबर कर दूंगी। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम पुलिस में खबर कर दे और मैं शंकर की लाश तेरे हवाले कर दूंगा। क्या तूने शंकर का खून कर दिया है? किया तो नहीं, मगर तेरी हरकत मुझे शंकर का खून करने पे मजबूर कर देगी। शंकर ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो तूने उसे कैद कर रखा है? बिगाड़ा है? उसने मेरे सपनों की रानी को मुझसे छीनने की जरूरत की है। ये झूठ है, शंकर ऐसा कभी नहीं कर सकता, वो मुझसे प्यार करता है। यही तो कसूर है उसका। रूपा, पहली बार जब मैंने तुझे देखा तो मेरा दिल तेरी इन मोहनी आंखों में खो गया, और उस खोए हुए दिल को मैंने जितना भी ढूंढने की कोशिश की वो मुझसे लापता होता गया। पर इसमें मेरा या शंकर का क्या दोष है? तो फिर इसमें मेरा भी क्या दोष है? पर मैं तुझसे नहीं शंकर से प्यार करती हूँ। इसीलिए तो मैं शंकर को अपने रास्ते से अलग कर देना चाहता हूँ, हमेशा हमेशा। नहीं नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मैं शंकर के बिना जिंदा नहीं रह सकती। शंकर को जिंदा रखना चाहती है तो उसका सिर्फ एक ही तरीका है, रूपा की शेरू के साथ शादी। कभी नहीं हो सकता। शेरू, रूपा शंकर की अमानत, इसके अलावा तू जो भी चाहे मांग ले। शंकर की जान के बदले मेरी जान चाहे तो अभी दे सकती हूँ। नहीं नहीं रूपा, रूपा मैं तेरी जान लेना नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं तो अपने हाथों से तेरी मांग में सिंदूर। नहीं 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 शेरू, ऐसा मत कहो, तेरे पैर पड़ती हूँ, शंकर को माफ कर दे। शेरू अपने दुश्मन की जान लेकर इसे माफी देना जानता है, अगर तुझे मंजूर है तो मैं शंकर की लाश लाकर तेरे कदमों में डाल देता हूँ। नहीं शेरू, नहीं नहीं शेरू, ऐसा मत कहो शेरू। तो फिर हाँ कहते, बोल। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं क्या कहूँ। इसमें ना समझने की कौन सी बात है? शंकर की जान बचाने के लिए तुझे शेरू से शादी करनी होगी। और दूरा, तुझे शंकर की जिंदगी चाहिए ना, पर एक शर्त है, साथ फेरे होते ही
मुझे शंकर की शक्ल दिखाई देनी चाहिए। मेरी भी एक शर्त है, शंकर मेरे कब्जे में है ये तो किसी को नहीं बताएगी। मंजूर है? नहीं बताऊंगी। तो ठीक है। अरे बात क्या है, आज ये सेवा कैसी हो रही है बाबा? अरे बोल ना, शर्मा क्यों रहे? बाबा तू जल्दी से मिठाई मंगा और शादी की तैयारी शुरू कर दे। किसकी शादी? अरे बाबा तेरे बेटे की और किसकी? मेरे बेटे की? हाँ। अरे तुझसे तो बिरादरी में कोई शादी करने को तैयार ही नहीं होता। अरे तैयार कौन होगा बाबा, जानता नहीं तेरे शेरू के साथ कोई शेर नहीं शादी कर सकती है, और आज मैंने वो शेर नहीं ढूंढ लिया बाबा। अच्छा हाँ। बताना कौन है वो? अरे शर्मा ना, बता ना। बताऊ बाबा? हाँ बता। बाबा तेरी रूपा। रूपा? ये सब झूठ है, रूपा तो शंकर को चाहती है। अरे चाहती थी जब तक उसे शेरू नहीं मिला था। शेरनी शेर को पाकर गिदड़ से ब्याह नहीं कर सकते। ये मैं नहीं मानती, रूपा कभी ऐसा नहीं कर सकती। अरे नहीं कर सकती तो जाकर खुद पूछ ले रूपा से, यकीन आ जाएगा। रूपा क्या ये सच है कि तू शेरू से ब्याह कर रही है? बोलते क्यों नहीं? मैं पूछती हूँ क्या तू शेरू से ब्याह कर रही है? रानी मुझसे ज्यादा बात मत कर, मुझे अकेला छोड़ दे। तो फिर मुझे बता कि तू शंकर को छोड़कर शेरू से ब्याह क्यों कर रही है? बाबा के एहसानों का बदला चुकाने के लिए। और शंकर का क्या होगा? शंकर को तो दूसरी लड़की मिल जाएगी, लेकिन बेचारे शेरू से कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं। तू जानती है शेरू जेल काट कर आया है? हाँ जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि वो मेरी रानी का भाई है और मेरे बाबा का बेटा है। देख रूपा बात पलटने की कोशिश मत कर, सबसे बता आखिर बात क्या है? सब कुछ तो बता दिया है, अब बताने के लिए बाकी रहा ही क्या है? नहीं बताएगी? तुझे मेरी कसम। ये क्या किया तूने रानी, मैं तुझे नहीं बता सकती। तो फिर तुझे शंकर की कसम। रानी तूने तो मुझे उसकी कसम दे दी जिसकी जिंदगी पर मैं अपनी जान निछावर कर रही हूँ, मगर तू ऐसा क्यों कर रही है? हाँ शंकर को बता दी क्यों नहीं? ये पूछने के लिए मुझे और कसम न देना रानी, तुझे राजा की कसम। रानी अगर रूपा की शादी इस गैंडे के साथ हो गई तो अपनी नाक कट जाएगी। मैं क्या करूं, रूपा मानती ही नहीं। लेकिन लेकिन वो ऐसा क्यों कर रही है? मैंने उससे बहुत पूछा, वो कोई जवाब नहीं देती है, बस कहती है बाबा की खातिर शादी कर रही हूँ। शंकर का क्या होगा, तू जानती है रूपा उसकी अमानत है, और अगर ये शादी हो गई तो मैं उसे जिंदगी भर अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। राजा तू एक काम कर। क्या? तू रूपा को लेकर भाग जा। कहाँ? किसी ऐसी जगह जहाँ शंकर के आने तक उसे कोई ना देख सके। मगर ऐसा कैसे हो सकता है? देख मैं नाच गाना कर कर सबका ध्यान अपनी तरफ कर लेती हूँ, तू रूपा को उठा कर ले जा। अरे मर गई हूँ। मेहंदी रचेगी माथे बिंदिया सजेगी।
मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। मुबारक हो रूपा, शंकर तो है नहीं, मैंने सोचा मैं ही मुबारकबाद दे आऊं। अरे रे रे। ये क्या, खुशी के दिन दुल्हन की आंखों में आंसू? आज के दिन के लिए तो लड़कियां भगवान से प्रार्थना करती हैं और तू रो रही है। हाँ मुझे माफ करना रूपा, मैं तेरा दिल दुखाने नहीं अपने दुखी दिल को समझाने आया हूं, शायद तू मेरी कुछ मदद कर सके। मुझे सिर्फ इतना बता दे कि एक लड़की जिंदगी भर किसी के साथ रहने की कसम खाकर किसी दूसरे की बाहों में कैसे जा सकती है? उसकी कोई मजबूरी हो सकती है। नहीं रूपा, मैंने सुना है मजबूरी और रुकावटों को देखकर प्यार दुनिया का मुकाबला करने को तैयार हो जाता है। क्योंकि शंकर ने मुझसे बेवफाई की है। शंकर ने बेवफाई की है? हाँ, मुझे बिना बताए वो न जाने कहाँ चला गया है। तुझे शादी करने की इतनी जल्दी थी कि तू शंकर का इंतजार भी नहीं कर सकी? इंतजार तो मैं जिंदगी भर करती, अगर वो मुझे बता कर जाता या कम से कम किसी के हाथ संदेशा तो भेज देता। मुझे प्यार की देवी समझता था, लेकिन आज पता लगा तू प्यार की देवी नहीं फरेब की गुड़िया है। अच्छा हुआ शंकर की जुदाई ने तेरा असली रूप तो दिखा दिया। तू इसी काबिल है कि तुझे एक शेरू जैसा गुंडा पति मिले। शादी तो उसकी मर्जी से हो रही है। उसकी मर्जी से नहीं बाबा, बल्कि तुम्हारे एहसानों का बदला चुकाने के लिए हो रही है। बाबा, तुमने रूपा को अपनी बेटी मानकर पाला है ना, तो रूपा मेरी बहन हुई और शेरू मेरा भाई। क्या भाई बहन की शादी हो सकती है? बोलो ना बाबा, क्या बहन भाई की शादी हो सकती है? बोलते क्यों नहीं? क्या बहन भाई की शादी हो सकती है? क्या बहन भाई की शादी हो सकती है? बोलो ना बाबा, क्या बहन भाई की शादी हो सकती है? साले किसी को बोला ना तो मैं तेरा पेट फाट दूंगा। छोड़ मुझे, मैं अभी शेरू से पता लेकर आता। लेकिन क्या फायदा, शेरू की इस वक्त रूपा के साथ शादी हो रही है। शेरू छोड़ दे इसे, जाने। नहीं बाबा, इसे मेरे साथ शादी करनी ही होगी। बहन और भाई की शादी कैसे हो सकती है? क्या बकते हो बाबा, ये मेरी बहन कैसे हो गई?
पड़े शुरू। मैंने रूपा को अपनी बेटी समझकर पाला है, रानी के साथ एक थाली में रोटी खिलाई। बाबा रानी के साथ एक थाली में खाना खाने से क्या, ये मेरी बहन हो गई? अबे ओ पंडित अंदर बैठ। रूपा मैं ये शादी हरगिज़ नहीं होने दूंगा। रूपा किसी और की अमानत है। बाबा जिद मत कर। आगे से हट। नहीं हट, नहीं हटूंगा। मेरे सिर पे खून तुम्हारे बने। नहीं हटूंगा, नहीं हटूंगा। शेरू ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैं उससे शादी नहीं करूंगी वो तुझे जान से मार डालेगा। जैसे मुझे पता चला कि तू छूट कर आ गया है, मैं मंडप से भाग कर आ गई। चल जल्दी चल के शादी कर ले इससे पहले कि शेरू आ जाए। शेरू से डर कर। राजा तू रूपा को लेकर घर जा, मैं अभी शेरू से निपट कर आता हूं। शंकर मुंशी, इंस्पेक्टर राणा स्पीकिंग। डॉक्टर, वो आदमी जिसे दरिया से निकाला था, अरे वही भाई जिसका आपने ऑपरेशन किया था। हाँ हाँ, अब उसकी तबीयत कैसी है? ठीक है, मेरा मतलब है कोई खतरे की बात तो नहीं ना? ओह थैंक यू, थैंक यू, ओह थैंक यू वेरी मच। ओके इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचाइए इंस्पेक्टर साहब। मिस्टर नालचिया, तशरीफ रखिए। तशरीफ तो रख लेता हूँ इंस्पेक्टर साहब, पर मैं मर गया, मैं बर्बाद हो गया। कुछ बताओगे? इंस्पेक्टर साहब, मेरी फिल्म का हीरो शेर का शिकार खेलने गया था, आज 10 दिन हो गए उसका कोई पता नहीं, उसे ढूंढ निकालिए इंस्पेक्टर साहब। इंस्पेक्टर साहब अगर वो नहीं मिला तो मेरी वो पिक्चर अधूरी रह जाएगी, मैं बिन मौत मारा जाऊंगा, मेरा हार्ट फेल हो जाएगा। इंस्पेक्टर साहब अगर आप हुक्म दें तो इस मामले में मैं आपको कुछ बता सकता हूँ। तुम चुप रहो मिस्टर खटपुत। आप चुप रहिए मिस्टर लालची, आप बताइए। इंस्पेक्टर साहब, मैं इनके हीरो विनोद बाबू का सेक्रेटरी हूँ और शिकार में मैं उनके साथ ही गया था। मैंने अपनी आंखों से देखा शेर उनको अपने मुंह में दबा कर ले गया और उसके बाद कुछ पता नहीं चला। इंस्पेक्टर साहब कुछ पता नहीं। माय गुडनेस, आपका मतलब है शेर विनोद बाबू को खा गया? जी हाँ। झूठ, बिल्कुल झूठ। इंस्पेक्टर साहब वो मेरी पिक्चर पूरी किए बगैर शेर के मुंह में जा ही नहीं सकता, उसका मेरा कॉन्ट्रैक्ट है, उसको हीरो का चांस पहले मैंने दिया है। आपके पास कोई फोटो है उसका? क्यों नहीं इंस्पेक्टर साहब, उसकी फोटो तो मैं हर वक्त अपने सीने से लगाए रखता हूँ। इंस्पेक्टर साहब उसका सबूत चाहिए तो मैं अभी देता हूँ। इंस्पेक्टर साहब ये देखिए, ये लीजिए, ये। ओह माय गॉड, यही आदमी को तो दरिया से निकाला है और इसी का कूपर हॉस्पिटल में ऑपरेशन हुआ है। What? हे भगवान, तू बहुत ग्रेट है। अब बोलो मिस्टर खटपटिया, शेर तुम्हारे सामने विनोद को उठाकर ले गया था ना? मगर ये कैसे हो सकता है? मैंने अपनी आंखों से विनोद को शेर के मुंह में देखा था। अरे सोच क्या रहा है, मैं जानता था कि विनोद जेंटलमैन आदमी है और अपना कॉन्ट्रैक्ट पूरा किए बगैर कभी नहीं मर सकता। हाँ डिस्टर्ब मत कीजिए। डॉक्टर साहब विनोद को कोई खतरा तो नहीं है? नहीं खतरा तो नहीं। उनकी पट्टी कब खुलेगी? कुछ 8-10 रोज लग जाएंगे। डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ विनोद को किसी किस्म की तकलीफ ना होने पाए। खर्चा होगा वो सब मैं दूंगा। तो इन्हें स्पेशल रूम में ट्रांसफर कर दूं? स्पेशल रूम वो तो बहुत महंगा पड़ेगा डॉक्टर साहब, उसमें रखने की क्या जरूरत है, अकेले में जी घबराएगा और फिर इन सब लोगों के साथ उसका दिल भी बहलता रहेगा। यही रहना अच्छी बात। हे भगवान, तुमने विनोद को नहीं बल्कि मुझे अपनी बाप के पंजे से निकाला है।
अरे रे 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 रे। अपना सर क्यों ठोक रहे हो मिस्टर खटपटिया? अरे क्या बताऊं मिस्टर लालचिया, मैं सोच रहा हूं या तो मैं पागल हूं या सारी दुनिया पागल है। मुझे तो तुम ही पागल नजर आते हो। मैं पागल नहीं हूं मिस्टर लालचिया, मैंने अपनी ही आंखों से देखा है कि मिस्टर विनोद कुमार को शेर उठाकर ले गया। फिर ये दूसरा विनोद कुमार कहां से आ गया? मैं बताऊं, ये कलयुग है और कलयुग में कुछ भी हो सकता है। एक मिनट में एक चीज गायब होकर फिर मौजूद हो सकती है। एक से दो होना कौन सी बड़ी बात है? अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा मालिक जिंदा है और तुम्हारे प्रोड्यूसर लालचिया की पिक्चर कंप्लीट हो जाएगी। जाओ जाओ अपना काम करो। मिस्टर विनोद, थैंक गॉड तुम बच गए, वरना तुम्हारे साथ साथ मेरी भी अर्थी निकलने वाली थी। मैं सच कह रहा हूं। सोच क्या रहे हो, मुझे नहीं पहचाना? कौन है आप? मैं कौन हूं? ये आपको नहीं पहचानेंगे, इनकी याददाश्त जाती रही। याद जाती रही? ये कैसे हो सकता है? इनको सर में जास्ती चोट लगने की वजह से इनकी याद जाती रही। अब क्या होगा? भगवान पर भरोसा रखिए, इनको पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश कीजिए, देखिए शायद याद वापस आ जाए। आओ ये देखो, ये है तुम्हारा ड्राइंग रूम, कितना खूबसूरत है, है ना? ये सब पहचानते हो ना? नहीं पहचाना? ओहो तो आओ इधर, ये देखो, ये तुम्हारी होने वाली पत्नी है जिसे तुम भगवान से भी ज्यादा मानते हो, हैं? इसे तो पहचाना? इसे भी नहीं पहचाना? ओहो अब तुम अपना ही फोटो देखो, है ना? ये तुम्हारा फोटो, यही है ना? पहचान लिया ना? ये तुम्हारा फोटो, पहचान लिया ना? है ना? अपना कहना ये तुम्हारा फोटो नहीं है। हेलो विनोद डार्लिंग, तुम्हारे एक्सीडेंट की खबर सुनकर तो मेरी जान ही निकल गई थी। शुक्र है भगवान का तुम बिल्कुल ठीक हो। तुम मुझे हैरत से क्यों देख रहे हो? रेखा मेरी बात सुनो, एक्सीडेंट की वजह से विनोद अपनी याददाश्त खो बैठा है। अब क्या होगा? कुछ नहीं, डॉक्टर ने कहा है इसकी पुरानी बातें याद दिलाने से इसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। अच्छा हुआ तुम आ गई, इसे इसकी पुरानी हरकतें याद दिलाना तुम्हारा काम है। परमात्मा ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये रहा तुम्हारा बेडरूम, तुम्हारे बिना कितना सुना सुना लगता था। और ये रही तुम्हारे माताजी और पिताजी की फोटो। बैठो बैठो ना, फूल नहीं चढ़ाओगे? सरकार कुछ नहीं, अभी अभी यहाँ कोई बदमाश तो नहीं आया। इस दर पे तो बदमाश और शरीफ में कोई फर्क ही नहीं समझा जाता सरकार। चुप रहो और सुनो, शेरू नाम का खूनी पुलिस से फरार है, जैसे ही वो यहाँ आए या तुम लोगों को उसका पता लगे फौरन पुलिस में खबर करना। लेकिन ये शेरू कौन है, इसका हमें कैसे पता चलेगा? सुनो, उसका कद 6 फुट है, रंग सांवला है, लंबी लंबी मूछें, बड़े बड़े बाल हैं, मिलिट्री के कपड़े पहने, समझी? ऐसा आदमी मिलते ही हम आपको खबर कर देंगे। अच्छा बोला नहीं? जी नहीं, आधा बरसे। कद 6 फुट है, रंग सांवला है, लंबी लंबी मूछें, बड़े बड़े बाल हैं, मिलिट्री के कपड़े पहने। हेलो
शेरू रूपा को उठाकर ले गया। क्या पक्के हो? अरे भक्ता नहीं हूँ, मैंने अपनी आंखों से देखा। शेरू रूपा को अपने कंधे पर उठाकर पुरानी बस्ती की तरफ ले जा रहा था। शेरू रूपा को उठाकर ले जा रहा था पुरानी बस्ती की तरफ। अब देखो मेरी चम्मक चलो, तुझे कौन बचाता है? मैं अभी पंडित को लाकर तेरे साथ शादी करूंगा। तेरी ये मजाक मेरे होते हुए तू रूपा को उठा के ले आया? क्या खोल दे इसको, खोल दे रहे रूपा को खोल दूं फिर तेरे को देखूं। हाँ चलो।
बोलता है तेरे को छुड़ाएगा छुड़ा साले तुम्हें अपने बाप का खून करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया जाता है क्या? देखा मिस्टर लालचिया कितना खूबसूरत पोस्टर बना है। मिस्टर खटपटिया, ये पोस्टर हर शहर की हर गली हर सड़क और हर कूचे में लगवा दो। ओके। अरे शंकर, तू हीरो बन गया। मेरा शंकर हीरो बन गया। अरे हीरो क्या बात है, चल चल घर चले। चल। अरे चल रूपा, रूपा, अरे रूपा मुबारक हो, मुबारक हो। पता है मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी खबर लेके आया हूँ। हाँ पहले मुंह मीठा कराओ। क्या बात है? अरे हमारे शंकर का पता चल गया। शंकर का पता चल गया? हाँ हमारा शंकर फिल्मों का हीरो बन गया। हीरो? हीरो? तुझे यकीन नहीं आता? ये देख, ये काल गुलाबी नैन शराबी। शंकर ने हमें खबर क्यों नहीं करती? अरे सोचा होगा फिल्म लगने के बाद खबर करूंगा। हमेशा कहता था कि हीरो जरूर बनना है। वाह मेरे यार, जो कहा वो करके दिखाया। उस्ताद कहीं कॉमेडियन का काम वाम हमको भी दिलवा दो। इससे पहले कि शंकर है, क्यों ना हम लोग उससे चल के मिले। वाह क्या बात कही है, हम लोग जरूर उससे मिलने चलेंगे। रूपा हनी को भी साथ देख रहे हैं? हम ले चलेंगे। अरे वाह क्या बंगला मेरे यार का। अरे ये भी खुला। आओ 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 अंदर आओ, आ जाओ। ए पूछे कौन है तुम लोग? बिना पूछे पूछे अंदर आता है। कौन है हम लोग? राजा बता दे कौन है हम लोग। बता दूं? बता दूं? बता दो। ये तुम्हारे साहब की मंगेतर, मैं तुम्हारे साहब का दोस्त, और ये मेरी मंगेतर। कुछ ये हमारे साहब का मंगेतर है। ए पूछे तुम लोग निकल जाओ, मुझे तुम लोग हमारे मालिक से नहीं मिल सकता। खोचे लाला मुंह संभाल कर बात करो। हाँ शंकर को पता चल गया तो नौकरी से छुट्टी हो जाएगी। कौन शंकर? कौन शंकर? कौन शंकर? अरे तुम्हारा मालिक और कौन? मुझे समझा, पर यहाँ कोई शंकर वंकर नहीं रहता। मुझे तुम लोग निकल जाओ। लाला जी वो गाल गुलाबी नैन शराबी फिल्म का हीरो यही रहता है ना? यहाँ रहता है। हम लोग कौन से मिलना है? उसे तुम लोग नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? इसलिए नहीं मिल सकता कि हमारे मालिक का ऑर्डर है कि उसे कोई नहीं मिल सकता। जाओ तुम लोग। अरे मैं कहता हूँ जाओ। कुछ न मालूम किधर का रिश्तेदार बन के आता है। चीज़ वो जानी आ जाए गिरते
सच बोल रहा हूं, मैं तुम लोग को नहीं जानता। कौन हो तुम? शंकर, तू अपने राजा को नहीं पहचानता? अरे कह दिया ना, नहीं नहीं नहीं। मैं समझ गया, दौलत ने तुझे अंधा बना दिया है, इसलिए तुम मुझे और राजा को नहीं पहचानता। मगर शंकर, माया तो आनी जानी है, ये सदा किसी का साथ नहीं देती। शंकर, आज तूने हमारी सच्ची मोहब्बत को ठुकराया है, इसका बदला भगवान तुझसे एक ना एक दिन जरूर लेगा। मैं कहता हूं निकल जाया से। Come on, out, 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 out
रूपा, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि शंकर हमारे साथ ऐसा बर्ताव करेगा। मैं भी नहीं सोच सकती थी कि दौलत उसका इतना दिमाग खराब कर देगी। नमस्ते जी। कौन हो तुम? जी, मेरा नाम खटपटिया है और मैं विनोद बाबू का सेक्रेटरी हूँ। कौन विनोद? वही फिल्म के हीरो जिनसे मिलने के लिए आप लोग बंगले पर गए थे और जिन्होंने बेइज्जत करके आपको घर से निकाल दिया था। सुना रूपा, हमारे शंकर ने अपना नाम भी बदल दिया है, विनोद रख लिया है। मगर आप ये कैसे कह सकते हैं कि विनोद बाबू ही आपके शंकर हैं? क्या बात करते हो, हम अपने शंकर को नहीं पहचानेंगे? वो मेरा जिगरी दोस्त है और रूपा का होने वाला। मैं समझ गया, अगर ऐसी बात है तो उन्होंने आप लोगों को पहचाने से इनकार क्यों कर दिया? यही बात तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप उसके सेक्रेटरी हैं, आप ही बताइए उन्होंने हमें पहचाने से इनकार क्यों कर दिया? बता सकता हूँ, मगर पहले तुम्हें यह सबूत देना पड़ेगा कि वही तुम्हारा शंकर है। तुम्हारे पास उसका कोई फोटो है? फोटो उसका भी है, उसके माँ बाप का भी है, लेकिन फोटो देखने से पहले तुम्हें यह बताना होगा कि उसने हमें पहचानने से क्यों इनकार कर दिया। क्योंकि उनकी याद जाती रही। याद जाती रही है? दरिया में गिरने के कारण उनके दिमाग पर गहरी चोट आई और वो अपनी याद खो बैठे। तो अब उसकी याद कैसे वापस आएगी? पुरानी बातें याद दिलाने से, ऐसा डॉक्टर कहते हैं। तो फिर हम उसे पुरानी बातें याद दिलाएंगे, मगर मुझे उसका और उसके माँ बाप का फोटो दिखाने के बाद। ये देखो शंकर के माँ बाप का फोटो, मैं उसका फोटो भी दिखाता हूँ। क्या हुआ, घबरा क्यों गए? शंकर, उसका फोटो। मिस्टर लालचिया, आखिर वही हुआ ना जो मैं कहता था। क्या कहते थे? यही, आपका हीरो विनोद कुमार नहीं बल्कि शंकर है, एक टैक्सी ड्राइवर। क्या बकते हो? बकता नहीं हूं, मैं ठीक कहता हूं। ये शंकर विनोद कुमार का सगा भाई है। मैं भी कहूं, मेरी आंखों के सामने मरने वाला आदमी दोबारा कैसे जिंदा हो? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि हमारा हीरो विनोद नहीं है? सबूत? मैं अभी अभी शंकर के घर से होकर आ रहा हूं और वहां मैंने उसके माँ बाप का फोटो देखा और दंग रह गया। क्यों? क्यों? क्योंकि वो फोटो हूबहू वैसा ही था जैसा मिस्टर विनोद कुमार के माँ बाप का। मिस्टर खटपटिया, मगर ये बात किसी से कहना नहीं, वरना मेरी पिक्चर अधूरी रह जाएगी। जब तक मेरी पिक्चर कंप्लीट ना हो जाए ये बात रेखा को भी नहीं मालूम होनी चाहिए। हमारा हीरो शंकर नहीं, विनोद कुमार ही है। रूपा, हमें शंकर को पुरानी बातें याद दिलाकर उसकी याददाश्त वापस लानी चाहिए। अगर अब हमें शंकर के घर में घुसने कौन देगा? राजा? हाँ? वो खटपट खटपट कौन? अरे हाँ, वो खटपटिया है ना, वो हीरो का चमचा, वो हमारा काम कर देगा। हाँ। विनोद बाबू, ये लोग मेरे शहर से आए हैं। नमस्ते साहब। और इन्हें नौकरी की तलाश है। मैंने इनसे कह दिया कि मेरे साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, कोई ना कोई काम जरूर दे देंगे। अगर मैं इस लड़की को क्या काम दूंगा? इसको रेखा मेम साहब के पास रखवा दीजिए ना, आपका मुझ पर बहुत बड़ा एहसान होगा। तुम दोनों क्या काम जानते हो? साहब, आप जो लोग हैं हमें देगा साहब, हम आपके कपड़े धोएगा साहब, हम आपका जूता साफ करेगा साहब, साहब हम गाना गा के आपका दिल बहलाएगा। हाँ साहब, नौकरी मिलेगा ना साहब? नौकरी मिलेगा ना साहब? जरूर मिलेगा। विनोद, कौन है ये लोग? रेखा, ये लोग खटपटिया के शहर के हैं, इन्हें नौकरी की जरूरत है। इन दोनों लड़कों को मैं रख लेता हूं और मैं चाहता हूं कि इस खूबसूरत लड़की को तुम रख लो। साफ हो गया साहब। वेरी गुड। यार तूने अपना नाम क्या बताया था? मेरा नाम शंकर है साहब। गुरु, तेरा नाम तो बड़ा जोरदार है लेकिन तेरी आवाज जो है ना बिल्कुल लड़कियों जैसी है। सब ऊपर वाले की मेहरबानी है साहब। शंकर, यार तूने कहा था तू गाना भी जानता है? जानता तो हूँ साहब, लेकिन फिर आपको मेरी आवाज लड़की जैसी लगेगी ना? अरे लगने दे लगने दे, चल गाना सुना। सुनो। हाँ सुना, शुरू है, चल। Thank you.
न जाने मुझे क्या हो रहा है, लगता है मेरा सर फट रहा है। मैं सर दबा दूं साहब? बार बार भेष बदल कर आ जाती है। बैठो बैठो। जब आदमी बड़ा हो जाता है तो सब उसके रिश्तेदार बन जाते हैं। पर उनमें से तो एक कहती है कि विनोद का असली नाम शंकर है और उसके साथ उसकी शादी भी होने वाली थी। हो सकता है कि शंकर ने अपना फिल्मी नाम विनोद रख लिया हो, और ये भी हो सकता है कि तुम्हारे प्यार करने से पहले वो इस लड़की को जानता हो। मेरी एक बात मानो, पिक्चर खत्म होते ही शादी रचा लो। नहीं, मैं पिक्चर पूरे होने का इंतजार नहीं कर सकती। रोने से शंकर की शादी नहीं रुकेगी। भगवान पर भरोसा रख और आखिरी बार चलकर वो ही गाना गा, शायद शंकर की याद वापस आ जाए। हाँ रूपा। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप किसको ढूंढ रहे हैं? शेरू नाम का कैदी जेल तोड़कर भागा है। कहीं यहाँ से तो नहीं गुजरा? नहीं, शेरू यहाँ गिधरों की बस्ती में कहाँ से, यहाँ से तो कोई नहीं गया। शेरू फिर छूट गया, मरने फिर मरने के दिन आ गए। साले उल्लू के पट्टे आवाज दे, और सुन, अगर तूने किसी को बताया कि मैं यहाँ हूँ तो मैं तेरा पेट फाड़ दूँगा। जल्दी से अपने कपड़े उतार। कपड़े नहीं उतार, कपड़े नहीं उतार है उस्ताद, ये क्या कर रहे हो? साले शर्माता, क्या तू मेरे पहन ले, जल्दी कर। आपके भाई जल्दी पहन, मरवाओगे, उतार उतार जल्दी, मरवाओगे।
सोचा था तुझे अकेले को मारूंगा, अब तुम दोनों का कीमा बनाता हूं। अपना गैंडे चलाता मेरे को, पता ये पुलिस को कौन लेके आया? मैं बुलाया? हाँ। ओ राजा, जा। ओ राजा। क्या हुआ राजा को? राजा, राजा क्या हो गया? राजा। राजा क्या बोलो, ठीक है ना? कौन हो तुम? अरे मैं किधर हूँ? शंकर, इसकी तो याद जाती रही, अब क्या होगा? तू घबरा मत रानी, अभी इसकी आदत वापस आ जाती है। क्यों बेटे, तेरी आदत खो गई? खो गई? अभी जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, नहीं शंकर भैया, आगे आगे वापस आ गए, आ गए रानी, संभाल इसको। अरे अरे तुम यहाँ खड़ी हो और वहाँ शादी के लिए मेहमान इंतजार कर रहे हैं? धोखेबाज, तुमने मुझे आज तक क्यों नहीं बताया कि वो विनोद नहीं शंकर है? काल गुलाबी नैन शराबी काल नशीली उम्र शबाबी कहे मगर दिलवाला तेरे नखरे में गरम मसाला, तेरे नखरे में गरम मसाला।